हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीएसएससी इंटरलेवल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी इंटरलेवल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपके रिजल्ट से संबंधित ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस जो जारी हुआ है, आखिर 23 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट धरना पे गए थे, उसके कारण ये जारी हुआ है। तो आखिर 23 तारीख धरना ने खुशी अल्लाह ही दी कि आपका ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, साथ में ऑफिशियल कटअप भी जारी कर दिया गया है। आखिर कटअप क्या जा रहा है वही मैं बताऊंगा इस वीडियो में, साथ में मेंस एग्जाम का डेट और सिलेबस भी बताया गया है। तो दोस्तों, सभी जानकारी मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, सिर्फ वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। रिजल्ट किस तिथि को कितने बजे कैसे चेक करना है, अगर आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, सारा जानकारी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो लोग भी बिहार से इंटर लेवल का एग्जाम दिए होंगे उन लोगों के पास नोटिफिकेशन ये जानकारी सही समय में पहुंच पाएगा, जिससे वो लोग अपना ऑफिशियल कटअप जान लेंगे और साथ में जो रिजल्ट डेट घोषित हो रहा है उस डेट पर अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। क्योंकि 23 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट धरना पर गए हैं, उन्हीं लोगों का समझिए खुशी आ रही है। तो सारा क्रेडिट जाता है उन लोगों के उन स्टूडेंट के पास जिन लोगों ने 23 तारीख के धरना पर गए थे। तो चलिए दोस्तों, आखिर और 23 तारीख को धरना पर क्या क्या बातें हुआ था मैं बिल्कुल उसको वीडियो का क्लिप भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, इससे सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, पहले मैं जो ऑफिशियल कटअप जारी हुआ है वो मैं बताया था, उसके बाद बताऊंगा रिजल्ट कितने तारीख को कई बजे से चेक करना है। दोस्तों, जो कटअप ऑफिशियल कटअप जारी हुआ है, और जनरल का कटअप जो जारी हुआ है, जनरल का 78 हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जनरल का कटअप तो आखिर कम जा रहा है, आखिर जाने का कम कारण है, दो तीन कारण है कटअप कम जाने का। पहला कारण कि 2014 के से 2019 में क्लियर हो रहा है, उसके अलावा प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा लगभग 35 से 40% स्टूडेंट ही प्रेजेंट हो पाए थे। उसके अलावा जो एग्जाम हुआ था उस समय ग्रुप डी का भी एग्जाम चला था, बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम भी छूट गया था, इस कारण से इसलिए आपका कटअप बहुत ही कम जाने के चांसेस है। चलिए, कटअप कम जाने के चांसेस है तो कितना जा रहा है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, जनरल का जो कटअप जा रहा है वो 78 जा रहा है। जनरल के बाद बात करते हैं ओबीसी कटअप, तो ओबीसी का जो कटअप जाने वाला है दोस्तों, ओबीसी का वो जाने वाला है आपका 73 जाने वाला है। ओबीसी के बाद बात करते हैं एससी कटअप, तो एससी कटअप जो जाने वाला है वो जाने वाला है आपका 65 जाने वाला है। उसके बाद एसटी कटअप का बात करते हैं तो वो जा रहा है 60 जा रहा है। ईबीसी का कटअप की बात करें ईबीसी का, तो ईबीसी का जो कटअप जा रहा है ईबीसी का वो जा रहा है आपका 70 जा रहा है ईबीसी कटअप। यहाँ पर एक सर्विसमैन का कटअप नहीं दिया गया, हो सकता है कुछ नया जानकारी नहीं अपडेट आता है तो उसमें एक सर्विसमैन का कटअप दिया जाएगा, या जिसमें फॉर्म रहा था हो सकता है उसमें एक सर्विसमैन का सीट नहीं रहा होगा, इसलिए एक सर्विसमैन का कटअप जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, ये तो हो गए कटअप संबंधी बातें, अब चलते हैं जो मेंस एग्जाम का सिलेबस और डेट है वो। दोस्तों, मेंस एग्जाम का सिलेबस आप इसके ऑफिशियल से डाउनलोड कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि मैं सिलेबस यहाँ से बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिलेबस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन होकर हमें कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ सिलेबस सेंड कर दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिलेबस उठाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब चलते हैं मेंस एग्जाम डेट और जो ये रिजल्ट जारी हो रहा है ये डेट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये रिजल्ट आपका आज से 3 दिन के बाद, जी हाँ दोस्तों, आज से 3 दिन के बाद यानी 28 तारीख को आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। ये 23 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट पटना गए थे, उसी दिन ये क्लियर हो जाता, लेकिन उस दिन क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि इस पर कुछ जाँच कुछ मतलब बाकी था, अधूरा रह गया था इस पर काम रिजल्ट में, तो इसलिए उस दिन कहा गया कि आप लोग जाइए और ये बहुत जल्दी ऑफिशियल अपडेट कर दिया जाएगा कि कितने तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन ये आज क्लियर रूप से कर दिया गया है कि आपका 28 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, और साथ में जो मेंस एग्जाम का डेट है वो बताया जा रहा है अगले महीने। जी हाँ दोस्तों, अगले महीने यानी अगले साल के जनवरी महीने में बताया जा रहा है। हो सकता है कि मतलब कि 15 या 20 तारीख को हो जाए, लेकिन बदला भी जा सकता है डेट, क्योंकि वो डेट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होता है वो डेट एक्सपेक्टेड ही माना जाएगा, क्योंकि वो डेट क्लियर नहीं किया गया है। अब एडमिट कार्ड मेंस एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो जब भी आपका रिजल्ट क्लियर होगा उस समय सारा डिक्लेरेशन मिल जाएगा आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, फिलहाल मेरे पास जितने भी जानकारी थे मैंने बता दिया, आप चाहते हैं जो धरना पर गए थे बहुत सारे स्टूडेंट उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके हमें कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ से वीडियो शेयर कर दूंगा, या उसके लिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसका क्लिप दिखाया उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ शॉर्ट में सारा जानकारी को बता दूँ। दोस्तों, फिलहाल मेरे पास जितने भी जानकारी थे जो आपके लिए हेल्पफुल थे मैंने बता दिया, और भी कुछ छूटा उस वीडियो में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जोड़ दूँगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बताएं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड टेक केयर फ्रेंड्स।